नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने महिंद्रा XUV 700 का एक भयानक एक्सीडेंट देखा होगा, जिसमें तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी बस में लड़ गई थी और उसके पर खच्चे उड़ गए थे। वैसे तो XUV 700 ग्लोबल एनकैप के लिस्ट में सबसे टॉप पर है और इसी के साथ ही ये इंडिया की सबसे सेफ कार भी है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर वो क्रॉस हुई तो कुछ भी काम नहीं आता। और ऐसा ही कुछ आज के इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा, जो ओडिशा से मिस्टर सत्यव्रता और मिस्टर शिवानंदा जी ने मुझसे इंस्टाग्राम और ईमेल पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली ओडिशा के कंधामल के फुलबनी में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यूनर से चार लोग थोड़े तेज रफ्तार में एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी अचानक ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी स्किड होते हुए एक पेड़ में जाकर घुस गई। यहां पर अनकंट्रोल होने का रीजन एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है ये किसी को बचाने के चक्कर में हुआ हो, या हो सकता है सिर्फ तेज रफ्तार ही इसका कारण हो। जो भी हुआ बुरा हुआ, यह टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक था। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं, डायरेक्ट पेड़ से लड़ने की वजह से इसका लेफ्ट साइड बीच से काफी दूर तक अंदर घुस गया है और पिलर, रूफ, डोर वगैरह सब कुछ डैमेज हो गया है। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो सीधा इंपैक्ट पड़ने की वजह से अनफॉर्चुनेटली को ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि बाकी तीन लोग इंजरीज के साथ सेफ हैं। तो भाई यहाँ जो भी हुआ, रोड लिमिट से ज्यादा तेज रफ्तार में चलने की वजह से हुआ है। फॉर्च्यूनर एक 40-50 लाख की बड़ी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली एसयूवी है, जिसने क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हुए हैं और कई सिचुएशंस में अपने पैसेंजर्स को बचाया भी है। हालांकि इसके साथ भी वही सेम कंडीशन है, लिमिटेड स्पीड वाला। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो कोई भी कार सेफ नहीं है। इसके अलावा सिंगल रोड पर तो और भी फोकस होकर और आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है।